कौन बनेगा जन्नती एपिसोड 14 में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल कर सकें। नाजरीन, कौन बनेगा जन्नती सिर्फ एक एपिसोड का नाम है और बेशक जन्नत का मालिक अल्लाह अज़्ज़ वजल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में कितनी बार हज करना फर्ज है? पहला 4 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 5 बार या चौथा 1 बार? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है चौथा 1 बार। क्या जिन्नात को उसकी असल शक्ल सूरत में देखना मुमकिन है? पहला मुमकिन है, दूसरा नामुमकिन है, तीसरा दूर से देख सकते हैं या चौथा इनमें से कोई नहीं? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है दूसरा नामुमकिन है। क्या जिन्नात में भी रसूल होते हैं? पहला रसूल होते हैं, दूसरा रसूल नहीं होते हैं, तीसरा दोनों हो सकते हैं या चौथा इनमें से कोई नहीं? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है दूसरा रसूल नहीं होते हैं। जिन्नात किस चीज से बने हैं? पहला मिट्टी से, दूसरा आग से, तीसरा पानी से या चौथा नूर से? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है दूसरा आग से। क्या जिन्नात सिर्फ मुस्लिम होते हैं? पहला सिर्फ मुस्लिम होते हैं, दूसरा सिर्फ काफिर होते हैं, तीसरा मुस्लिम और काफिर दोनों होते हैं या चौथा इनमें से कोई नहीं? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है तीसरा मुस्लिम और काफिर दोनों होते हैं। किस जगह नमाज नहीं पढ़ सकते? पहला कब्रिस्तान, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा एरोप्लेन या चौथा काबा की छत? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है चौथा काबा की छत। आसमानी किताब की संख्या कितनी है? पहला 3, दूसरा 10, तीसरा 4 या चौथा 5? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है तीसरा 4। इनमें से किस शहर का नाम कुरान में आया है? पहला मिस्र, दूसरा तुर्की, तीसरा सऊदी अरब या चौथा दुबई? अब आपका वक्त स्टार्ट होता है। सही जवाब है पहला मिस्र। नाजरीन, इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हुई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी इसलाह कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।